विदहोल्डिंग टैक्स का नेफाज, फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री का 10 जुलाई को हड़ताल का ऐलान, आटे की कीमत में फिर इजाफा मुतवक्के, 10 किलो आटे का थैला 90 रुपए तक महंगा होने का इम्कान, हड़ताल की सूरत में लाहौर की 100 से ज्यादा फ्लोर मिल्स बंद होने का खदशा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल का फैसला मौखर कर दिया। मुल्क गिर हड़ताल यौम अशूर के बाद की जाएगी। सदर नबील महमूद ने कहा, कामयाब हड़ताल से हुकूमत को बता देंगे, ट्रांसपोर्टर्स अपना हक लेना चाहते हैं। अवाम को महंगाई का एक और बड़ा झटका, ब्रायलर गोश्त एक ही रोज में 49 रुपए महंगा, 470 रुपए किलो तक पहुंचा दिया। दो रोज में चिकन 86 रुपए महंगा हो चुका, शहरी तिल मिलाओ थे। महंगाई के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना हर सूरत होगा। गैर कानूनी हथकंडों से मरऊब नहीं होंगे, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने वाज़े कर दिया। कहा, हुकूमत आवाम पर मुसलसल महंगाई, बिजली और टैक्सों के बॉम्ब गिरा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का आवाम के लिए बड़ा तोहफा, 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारफीन को सोलर पैनल्स देने का फैसला। वज़ीर-ए-आला ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास तलब कर लिया। सोलर पैनल की कीमत 90% पंजाब हुकूमत और 10% सारिफ अदा करेगा। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दौरा लाहौर, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी ने गवर्नर हाउस में अरकानी असम्बली और पार्टी अरकान से मुलाकात की है। सदर मुमलिकत कल प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी पर मुनक्किदा सेमिनार में शरीक होंगे। आईपीपी का ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम की भरपूर हमायत का फैसला, शेब सदीकी ने ऑपरेशन के हक में करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। कहा, मुल्क में फायदार अम इस्तेहकाम और सलामती के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। बच्चों से जिंसी ज्यादती और तशद्दुद के बढ़ते वाकयात, मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट ने इजहार तशवीश की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। करारदाद ने कहा कि बच्चों पर तशद्दुद और जिंसी वाकयात की रोकने के लिए आगाही मुहिम चलाई गई। जो टॉप पोजीशन होल्डर हैं मोहम्मद अयान काशिफ और इन्होंने 1200 में से 1190 नंबर हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पे हमारे दो बच्चे हैं जिन्होंने एक जितने नंबर हासिल किए हैं, मोइज़ हैदर और साथ माहीन सजाद। तीसरी जो पोजीशन है उसमें हमारे चार बच्चे हैं, अबीरा असकर, उबैदुल्ला उस्मान, जैनब आसिफ और सहर शकील। मेट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नतीजे का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद अयान काशिफ ने 1200 में से 1190 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। मोइज हैदर और माहीन सज्जाद ने 1186 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन अपने नाम की। अबीरा असगर, उबैदुल्ला, जैनब आसिफ, सहर शकील ने 1185 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। चेयरमैन लाहौर बोर्ड की तमाम पोजीशन होल्डर बच्चों को मुबारकबाद। भाटी गेट में छत गिरने का अफसोसनाक वाकया, हकीमावाला बाजार में मलबे तले दबकर बाप और बेटा जा बहक, मरने वालों की शनाख्त 30 साल सफदर शाह और 12 साल हसनैन के नाम से हुई। हर आंख अश्कबार, इलाके की फिजा सोगवार। 9 मई को थाना शादमन नजरे आतश केस का जेल ट्रायल, वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल में पेश किया गया। अदालत ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चौधरी परवेज इलाही की फैमिली को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही, जारा इलाही और रासख इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब की तैनाती, मलिक मसरूर हैदर, खालिद मसूद और हाशिम जावेद एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात, नोटिफिकेशन जारी। तीनों अफसरान की तैनाती तालीमी असनाद की तस्दीक और वकालत के तजुर्बे की बुनियाद पर मशरूत है।
पंजाब की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए हुकूमत ने मंसूबा बना लिया। वजीर आला पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर छोटे खानदान की अहमियत को उजागर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का मंजूर अफराद के लिए एहसन इकदाम, हिम्मत कार्ड के इजरा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया। हुकूमत मंजूर अफराद को माहाना वजीफा और नौकरियां भी देगी। कम पढ़े लिखों को टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के जरिए मुफ्त तालीम दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में अंधेर नगरी, शालावाल टाउन, गुलबर्ग और रावी टाउन के सैकड़ों मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हो गए। अक्टूबर 2023 में मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था। मामला एजी ऑफिस में जेरे इल्तवा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चे की तब्दीली का मामला हल हो गया। बच्चे के वालिद ने शिकायत वापस ले ली, हल्फनामा सामने आ गया। बच्चे के वालिद ने अपने तहरीरी बयान में कहा, हॉस्पिटल इंतजामिया ने जो मैयत मेरे हवाले की थी वो बच्चा मेरा है या नहीं उसे अपना बच्चा कबूल करता हूँ। मजीद इंक्वायरी DNA या पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता। हक़ व सदाकत के अलमबरदार साहिब इल्हाम फातिहे रूम व ईरान बेमिसाल हुक्मरान खलीफा दौम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत। शहर में हजरत उमर फारूक को खराज अकीदत पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंसिस और सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के क्याम के लिए अहम इकदाम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब में पाक आर्मी और रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। पंजाब के लिए फौज और रेंजर्स के 150 कंपनी की खिदमत तलब की गई। अशरा मुहर्रमुल हराम मरबूत सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद का आगाज। शहर में 11,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान अहलकार ड्यूटी पर तैनात कर दिए गए। कैमरे, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स भी नष्ट किए गए। CCP लाहौर की फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने की हिदायत। मुहर्रमुल हराम में हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। SP क्वाल टाउन का हंदरवाल और न्यास बेग की तमाम इमाम बारगाहों का दौरा। मोहम्मद सुलेमान लियाकत ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। जुलूस रूट्स के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को चेक किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक की रीजनल डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी से मुलाकात। माशरे को मंशियात की लानत से पाक करने और रिहैब सेंटर के क्याम पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने कहा, पंजाब को मंशियात से पाक बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब की जिलों में मनशियात की स्मगलिंग का इंकशाफ। IG जेल खनाजात के मरासले ने मनशियात की स्मगलिंग का भांडा फोड़ दिया। मियां फारूक नज़ीर ने मनशियात के मुकदमात में मुलविस असीरान की मुलाकातों पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी। पंजाब हाईवे पेट्रोल शहरियों की खिदमत और तहफ़ के लिए पुरअज़्म, हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। शाहराहों पर 6,65,000 अफराद को चेक किया गया। दौरान चेकिंग मुलजमों से 52 चोरीशुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद की गई। अमूर खारजा दफातर में अमले की कमी या एजेंट माफिया का राज। सालीन दस्तावेजात की तस्दीक के लिए खवार होने लगे। सालीन का रश लगने से गुरुमांगट रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। ट्रैफिक बहाली के लिए ASP गुलबर्ग टीम के हमरा पहुंचे। महकमे अवकाफ और मजहबी उमूर पंजाब का सदर दफ्तर खस्ता हाली का शिकार। अवकाफ दफ्तर की छत और दीवारों से पलस्तर उखड़ने लगा। पानी वाली टैंकी और दीवारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। शहर में मौसम के बदलते अंदाज, सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रही। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। महकमे मौसमियात की रवा हफ्ते वक्ते वक्ते से शहर में बारिश की पेशगोई। PDM में पंजाब का अलर्ट जारी। बालाई और वस्ती पंजाब 10 से 15 जुलाई तक मानसून बारिशों की जद में रहेंगे। बेशतर इजला में आंधी और तेज बारिश के इम्कान हैं।
अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र बड़े शहरों की इंतजामिया को पेशगी इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। हाल रोड के मसाइल चूँके तू यूनियन मसाइल के हल के लिए संजीदा ही नहीं, हाल रोड के दुकानदारों ने यूनियन के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। ताजर बरादरी ने हाल रोड पर इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। दुकानदारों ने कहा कि 13 साल से इलेक्शन नहीं हुए, यूनियन ने इक्तदार में आकर पैसा बनाया, ताजरों के मसाइल हल नहीं किए। गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ रूडा इन एक्शन, भीनी रोड पर तामीरात मिसमार कर दी गई, फेज वन में कायम दारा सिटी के दफातर तोड़ दिए गए, सड़कें भी तबाह। ऑपरेशन की क्यादत डिप्टी डायरेक्टर वकार अहमद ने की, कहा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। तजावुजात माफिया के खिलाफ बल्दिया उजमा का शिकंजा मजीद सख्त, रेगुलेशन विंग का स्पेशल स्क्वाड इन एक्शन, इंसदाद तजावुजात कार्रवाइयों में 11 ट्रक सामान जब्त कर लिया। तर्जमान के मुताबिक शहर के अहम शाहराहों और इलाकों से 165 बैनर्स हटाए गए। तरक्याती कामों के बाद चिड़ियाघर सैरो तफरी के लिए बंद, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज अगस्त के पहले हफ्ते चिड़ियाघर का इफ्तिताह करेंगी। डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज मलिक का कहना है कि चिड़ियाघर और सफारी जू को सयाहों के लिए मजीद पुरकशिश बनाएंगे।